उत्तराखंड के ऋषिकेश में ऊर्जा निगम ने 1,75,00,000 का बिल जमा नहीं किए जाने पर IDPL की बिजली काट दी है। बिजली काटे जाने से यहां निवास करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस भरी गर्मी में लोगों के घरों के पंखे चलने बंद हो गए और बिजली ना होने की वजह से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। वहीं IDPL कॉलोनी के लोगों ने बिजली काटे जाने को कोर्ट के आदेश की अवमानना भी बताया है। लोगों का कहना है कि IDPL की लीज खत्म होने के बाद से कॉलोनी को खाली कराने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में बिजली काटा जाना काफी गलत है। ऋषिकेश से महेश पवार की रिपोर्ट। आज दिन में काट दी गई है और उसका उन्होंने हवाला दिया है कि आपका बिजली का बिल ड्यूज है, वो जब तक क्लियर नहीं होता हम आपकी लाइट नहीं जोड़ सकते। ये किसने काटी है? ये UPCL के द्वारा काटी गई है। जबकि हमारा वाद माननीय न्यायालय में लगा हुआ है और उसमें हमें पहले भी जो हमारी 10 दिन की लाइट पानी काटी गई थी वो हमें माननीय न्यायालय द्वारा ही दी गई थी। वो बिजली हमारा पिछले 4-5 महीने से माननीय न्यायालय के आदेश पे ही उपयोग कर रहे हैं, परंतु अब एकदम से UPCL कह रहा है कि आपका 1,52,00,000 रुपए ड्यूज है जो आप चुका दीजिए, नहीं तो हम आपकी बिजली काट देंगे। ये टोटल मैटर है। इसमें जो पहले हुआ उसमें माननीय न्यायालय ने जंगलात को, जंगलात के साथ साथ IDPL को और IDPL के साथ साथ प्रशासन को, तीनों जनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि IDPL की लाइट पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। वो व्यवस्था चलते चलते आज 6 महीने बाद इन्होंने हमारी लाइट काट दी है।